सपा संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं है। 82 साल की उम्र में लंबी बीमारी को झेलते हुए उनका निधन हो गया था। बता दें, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उन्होंने आखिरी सांस ली और अपने पीछे वो अपने परिवार के साथ साथ अपने लाखों समर्थकों को छोड़ गए हैं। जब से मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ है, तभी से समाजवादी पार्टी का एक एक समर्थक गम में डूबा हुआ है। न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि तमाम राजनीतिक दल और उनके नेता शोक में हैं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता थे जो जमीनी स्तर पर उतरकर लोगों की मदद किया करते थे। एक लोकतांत्रिक नेता के तौर पर उनको जाना जाता है और खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र अपने भाषण में कर चुके हैं। मुलायम के जाने के बाद बड़े बेटे होने की वजह से अखिलेश यादव उनके क्रियाक्रम की हर जिम्मेदारी निभा रही हैं। इसी बीच अखिलेश यादव अस्थि विसर्जन करने के लिए संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे। इन सब के बीच मुलायम के छोटे बेटे प्रतीक यादव भी प्रयागराज में ही नजर आए और यहां पर उन्होंने पहली बार चुप्पी तोड़ी और अपनी प्रतिक्रिया दी। सोशल मीडिया पर अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव की इसी प्रतिक्रिया की चर्चा हो रही है। क्या कुछ कहा प्रतीक यादव ने, आपको बताते हैं। दरअसल हुआ ये कि मुलायम के छोटे बेटे बुधवार को अस्थि विसर्जन में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंचे थे। यहां पर उनको मीडिया ने घेर लिया और यहां पर उनसे सवाल हुआ राजनीति में एंट्री को लेकर और अखिलेश को लेकर, जिस पर प्रतीक यादव ने कहा, नेताजी की सियासी विरासत को अखिलेश भैया ही संभालेंगे। प्रतीक यादव ने कहा, नेताजी के निधन से उनका व्यक्तिगत और पूरे समाज का बड़ा नुकसान हुआ है। नेताजी के सियासी विरासत को अखिलेश भैया ही संभालेंगे। वो पहले से ही दूसरे कामों में थे और खुद को उन्हीं कामों में व्यस्त रखेंगे। सियासत से उनका आगे भी कोई लेना देना नहीं होगा। यानी प्रतीक यादव ने साफ कर दिया कि वो पॉलिटिक्स में एंट्री करने नहीं जा रहे। बता दें, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव बीजेपी नेता हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले अपर्णा यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया था और उसके बाद से ही वो मोदी योगी की तारीफ करते हुए विरोधियों को करारा जवाब देती हुई नजर आती है। प्रतीक यादव के बारे में आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव अक्सर मीडिया से दूर रहते हैं, वो सियासत से भी दूर रहते हैं। उनकी दिलचस्पी बॉडी बिल्डिंग में है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उनकी कई ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें वो बॉडी बिल्डिंग करते हुए नजर आ रही हैं। कुल मिलाकर इतना साफ है कि प्रतीक यादव राजनीति में एंट्री लेने नहीं जा रहे, लिहाजा उन्होंने दो टूक शब्दों में कह दिया कि नेताजी की सियासी विरासत को कोई और नहीं बल्कि अखिलेश भैया ही संभालेंगे। अब देखना होगा प्रतीक के बयान पर अपर्णा यादव और अखिलेश यादव किस तरह से रिएक्ट करेंगे। प्रतीक यादव के इस बयान को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें।